छाया गीत। सभी को शहनाज अख्तरी का नमस्कार। आइए छाया गीत में प्यार से प्यार करें, बहारों के फूल खिलाएं, दीपों की कतार सजाएं। ये सारी खूबसूरत बातें प्यार करने वालों के दिलों में समा जाती हैं। जब भी कोई कली खिलती है तो लगता है उसने अपने दिल की बातें जमाने के सामने खोल कर रख दी है। छोटा सा घूंघट निकाले खुशबू बिखेरते हुए बहुत ही हसरत से हमें देखती है। प्यार भरे दिल वालों की ओर तो और भी हसरत से देखती है। कौन है? आ रही हूँ। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। शर्मा जी नहीं दिख रहे? हाँ वही, हमेशा की तरह बिना बताए निकल गए। बाबूजी वो थोड़ा सा धनिया चाहिए था। रुकिए मैं लेकर आती हूँ। जी भाई साहब। धन्यवाद भाभी जी। अजी कहाँ हैं आप? अरे वो क्या है ना, आज बाजार है ना तो सब्जी मंडी आया हूँ। अरे भैया ये टमाटर कैसे दिए? 60 रुपए। 60 रुपए? अरे इतनी बारिश में सब्जी मंडी में क्या कर रहे हैं आप? अरे मोहतरमा ये मौसम आज फिर कुछ यादें ताजा कर रहा है और दिल ये कहने को मजबूर हो रहा है, ओ मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मतलब कि ये दिल अभी भी जवान है। आप भी ना। एक बात कहें आपसे, आज आपके बालों की खुशबू है ना पूरी सब्जी मंडी की फिजाओं में घूम रही है। ज्यादा ना बने, हमारे शेर को ठंड भी बड़े जल्दी पकड़ती है। तो आज इस शेर को ललकारा है तो आज ये शेर अपनी शेरनी के पास फौरन चला रहा है। ठीक है, देखिए इतनी बारिश हो रही है और राम भी अभी तक ऑफिस से घर वापस नहीं आया है। अरे वाह, इससे बढ़िया मौका फिर का मिलेगा बेगम। हाँ अब जल्दी वापस आ जाइए। बस 120 की स्पीड पर अभी पहुँच रहा हूँ। अरे यार जल्दी के चक्कर में सब्जी भूल गया। अरे भैया सब्जी दे दो। अरे भैया ये लो अपने पैसे। अरे शर्मा जी कैसे हैं आप? बस अभी तक तो बढ़िया है, आप सुनाओ? मैं भी एकदम मस्त हूँ। आप ऐसी बारिश में भीगते हुए चले आ रहे हैं? हाँ करे, मौसम ही ऐसा हो रहा है, बढ़िया है। चलिए जय राम जी की। शौकिया ये बागपन जो तुझ में है कहीं नहीं, तुझ में है कहीं। अरे नहीं। ये क्या आप यहाँ आकर बैठ गए? ये लीजिए सर पोछिए, ठंड लग जाएगी। आज मुझे खो जाने दो, इस बारिश में भीग जाने दो, मिट्टी की सूखती सूखती खुशबू आज मुझे तृप्त हो जाने दो। और अगर ठंड लग गई तो बिस्तर पर ही तृप्त होना पड़ेगा। गायत्री तुम यहाँ बैठो। अरे मेरे दीवानल,
ठंड लग जाएगी। गायत्री, इस बारिश को देख के तुम्हें कुछ याद आया? हाँ, आया ना, राम आने वाला है। गायत्री, तुम्हें याद है सन 1968 शाम के 6:30 बज रहे थे और तुम बाजार से घर जा रही थी। हाँ, तभी एक पागल लड़का मेरी बगल में आके खड़ा हो गया। वो भी मेरे छाते के अंदर। वो प्यार करता होगा ना लड़की से, और उसके बैग में एक गुलाब भी था। गुलाब? गुलाब का तो नहीं पता, मगर वो पागल लड़का अजीब सी हरकतें करने लगा। बैग से पकोड़े निकाले और अपने हाथों से मुझे खिलाने लगा। हाँ, लड़की को पसंद होगा तभी तो लाया होगा। पसंद है इसका मतलब कहीं भी कभी भी खा लेगी क्या? हाँ, तो फिर क्यों खाए लड़की ने पकोड़े? अरे बाबा, प्यार करती होगी ना। वो मुमकिन है। आते जाते तुमसे मिलना अच्छा लगता है, चलता रहेगा सिलसिलाए ऐसा लगता है। आते जाते तुमसे मिलना अच्छा लगता है। और वो गुलाब मुझे आज तक नहीं मिला। अरे गायत्री, तुम भी ना यहाँ बैठो। धरता भी तो था ना, और फिर ये देवानंद आज के जमाने की तरह इतना अप टू डेट भी नहीं, और फिर आपके भाइयों का भी तो खौफ था ना। खौफ? ऐसा खौफ कि गुलाब किसी और को दे दिया? किसी और को? एक मिनट। खोए हो दुनिया के रंग में, अपनी भी सुन लो जरा, दो पल बिताओ मेरे साथ में, गुजारिश मानो जरा। गुजर जाएंगे दिन हंसते हंसते ऐसा लगता है। जब घुटनों में जान ना हो तो होशियारी नहीं करनी चाहिए, बता दीजिएगा उस लड़के को। अच्छा। हाँ।